प्रिय शिक्षणार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आज आपसे विभिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण बिंदु पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। विभिन्न योग्यता वाले बच्चे वे बच्चे होते हैं जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। टेलफोर्ड के अनुसार विभिन्न योग्यता वाले बच्चे वे होते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विशेषताओं से इतने अधिक अलग होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक तथा शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के लक्षण जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसमें पहला लक्षण है सामान्य बच्चों से भिन्न योग्यता एवं व्यवहार। इसका अर्थ है कि जो विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं उनका व्यवहार सामान्य बच्चों से एकदम अलग होता है। वो उनकी तरह ना सोचते हैं ना उनकी तरह कार्य करते हैं। दूसरी जो उनकी विशेषता है वो ये है कि ये भिन्नता सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। इसका अर्थ ये है कि ये जो भिन्नता है उनकी, ये उनको सकारात्मक दिशा में भी ले जा सकती है कि वो बहुत अच्छे भी पढ़ने में हो सकते हैं, और नकारात्मक दिशा में भी ले जा सकती है कि उनका पढ़ने में जो उनका गति है वो सामान्य बच्चों से कम हो। तीसरी जो विशेषता है वो है अधिगम के लिए विशेष प्रयासों और शैक्षिक वातावरण की आवश्यकता। यानी उनके अधिगम के लिए हमको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं या विशेष वातावरण उनको उपलब्ध कराना होता है जिससे कि उनका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। अब हम देखेंगे विभिन्न योग्यता वाले बच्चों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण इस तरह से हैं, जिसमें पहले जो बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, दूसरा जो उनका श्रेणी है वो सृजनशील बच्चों की है, तीसरी श्रेणी मंद बुद्धि बच्चे, चौथी श्रेणी पिछड़े बच्चे, और पाँचवीं श्रेणी है अधिगम असमर्थी बच्चे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। स्किनर के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बच्चों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है एवं जिनकी रुचि कला एवं गणित, संगीत, अभिनय आदि में से किसी एक में होती है। प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण, विशाल शब्दकोश, यानी कि इन बच्चों का जो शब्दकोश है वो सामान्य बच्चों के तुलना में कहीं अधिक होता है। इनके पास जो शब्द और उनके अर्थ जो है उनकी अधिकता होती है सामान्य बच्चों की तुलना में। दूसरा इनका लक्षण है मानसिक प्रक्रिया की अधिक तीव्रता। जैसा कि अभी पीछे बताया, चूंकि इनका बुद्धि लब्धि जो गुणांक है वो 130 से अधिक है, इसलिए इनकी मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र गति से चलती है। इनकी तीसरा लक्षण जो है वो है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, यानी इनका जो सामान्य ज्ञान है वो अन्य जो हमारे बच्चे हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक होगा, और ये इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो मानसिक प्रक्रिया है वो अधिक चलती है। चौथा हमारा लक्षण जो है वो है अध्ययन में अद्वितीय सफलता। इसका मतलब इनका जो अध्ययन में जो सफलता का जो क्रम है वो बहुत ही अद्वितीय, यानी इनको सफलता काफ़ी अच्छे स्तर पर मिलती है और आसानी से मिल जाती है, इसलिए इनमें इनकी जो सफलता है वो अन्य बच्चों के मुकाबले कहीं अधिक होगी। अगला जो इनका लक्षण है वो अमूर्त विषयों में रुचि। अमूर्त विषय जो कि मूर्त रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र हो सकता है, जैसे कि समाज शास्त्र हो सकता है, या कुछ इस तरह के विषय जो मूर्त रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनका जो रुचि होती है वो इन अमूर्त विषयों में भी पाई जाती है। अगला जो लक्षण है मंद बुद्धि एवं सामान्य बच्चों से अरुचि। जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि इन बच्चों की जो मानसिक प्रक्रिया है वो कहीं अधिक है, सामान्य ज्ञान भी इनको सामान्य बच्चों से अधिक है, इसलिए सामान्य तौर पर ये बच्चे मंद बुद्धि बच्चे और सामान्य बच्चे इनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं, उनमें उनकी अरुचि रहती है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण किस तरह से हो, जिसमें सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी संवर्धित पाठ्यक्रम, यानी कि उनका पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम से कहीं अधिक संवर्धित हो। संवर्धित होने का अर्थ है कि हम उसमें अद्यतन जानकारी को जोड़ें। जो अद्यतन जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जो समाज में सबसे ज़्यादा अद्यतन हो रहा है, विज्ञान में जो सबसे अद्यतन आविष्कार हो रहे हैं, उनको हम उनके पाठ्यक्रम में समाहित करें। अगला जो विज्ञान शिक्षण के लिए जो बच्चों के लिए जो अगला हम प्रयोग करते हैं उनके लिए वो है उच्च स्तरीय प्रभावी शिक्षण विधियाँ, यानी कि ये वो विधियाँ होंगी जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होंगी। जैसे मस्तिष्क विपलन विधि है, ये उच्च श्रेणी की विधि है और इनको सिर्फ वही बालक कर पाते हैं जिनका मानसिक स्तर जो है सामान्य बच्चों से कहीं अधिक होता है। अगला जो हम इनका लिए आयोजन करते हैं वो है प्रायोगिक कार्य, यानी कि चूंकि ये बच्चे सामान्य से कहीं अधिक विशिष्ट योग्यता रख रहे हैं, इसलिए इनके लिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रायोगिक कार्य कराएं और इसमें उनकी रुचि भी रहती है। अगला है प्रोजेक्ट कार्य, यानी कि इन बच्चों को हम दत्त कार्य जिसको हम बोलते हैं कि हम इनको कार्य करने के लिए दे दें कि एक समय की सीमा के अंतर्गत उनको एक कार्य दे दिया जाए और इस कार्य को वो करें, और ये चूंकि उनके रुचि के अनुसार होता है, चूंकि उनको कुछ नया करना होता है, इसलिए बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इसको करते हैं। अगला जो हम आयोजन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण का कर सकते हैं वो विशेष कक्षाएं, यानी कि ये वो कक्षाएं हैं जो विशेष रूप से
उन बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनको हमने प्रतिभाशाली बच्चे कहा है। इसमें जो अध्यापक होगा उनको विशेष रूप से पढ़ाएगा, विशेष पाठ्यक्रम होगा और विशेष विधियाँ होंगी जिससे कि इनकी जो अधिगम की रुचियाँ हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। अगला जो हमारा श्रेणी है बच्चों की है वो है सृजनशील बच्चे। सृजनशील बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य या सामान्य से अधिक होती है, लेकिन इनके विचारों या कार्यों में एक विशेषता होती है जो इनकी सृजन शक्ति को प्रदर्शित करती है। सृजनशील बच्चों के जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं, जिसमें पहला लक्षण है वैचारिक मौलिकता। ये बहुत ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, वैचारिक मौलिकता, यानी कि इनके जो विचार हैं उसमें मौलिकता है। मौलिकता का मतलब दूसरों से हटकर वो पुराने पारंपरिक विचारों को सिर्फ उनका पुनरीक्षण नहीं करते हैं बल्कि उनको अपने तरह से उनको सोचते हैं। उनके विचारों में मौलिकता पाई जाती है जो पहले अन्य सामान्य बच्चों में नहीं पाई जा रही है। दूसरा लक्षण जो है इनका वो है स्वतंत्र निर्णय की क्षमता, यानी कि ये बच्चे सक्षम होते हैं स्वतंत्र निर्णय में, क्योंकि इनके पास वैचारिक मौलिकता है और उसी मौलिकता के आधार पर, उसी वैचारिकता के आधार पर ये उन निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता भी रखते हैं। अगली जो इनका लक्षण है वो है परिहास प्रिय। इसका मतलब कि ये बच्चे बहुत ही विनोदी स्वभाव के होते हैं, चूँकि इनको सृजनात्मकता इनके मस्तिष्क में रहती है और सृजनात्मकता के लिए बहुत आवश्यक जो परिस्थिति है वो ये है कि आपके मन मस्तिष्क में किसी भी तरह का तनाव ना हो। इसलिए ये बच्चे जो हैं हमारे ये बहुत ही परिहास प्रिय होते हैं, विनोदी होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। अगला लक्षण है उत्सुकता। चूँकि उत्सुकता ही जो है इनको आगे बढ़ाती है, इनको सृजनशील विचारों के लिए आगे बढ़ाती है, इसलिए ये बच्चे जो है हमेशा उत्सुक रहते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया लिखने के लिए, और इसी कारण ये लोग नई से नई चीज़ का सृजन करते रहते हैं। अगला लक्षण जो है संवेदनशीलता। अन्य श्रेणियों के मुकाबले में इस श्रेणी के जो छात्र हैं उनकी संवेदनशीलता कहीं अधिक होती है। ये उन वैज्ञानिक आविष्कारों, उन वैज्ञानिक प्रयोगों, उन वैज्ञानिक प्रगतियों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। ये हमेशा ये विचार करते रहते हैं कि कौन सा नया उपकरण को हम किस तरह से प्रयोग करें। इनकी संवेदनशीलता बहुत अधिक है। अगला जो इनका लक्षण है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतः शासित होना, यानी कि ये बच्चे चूँकि कल्पनाशील हैं, ये बच्चों से और सामान्य बच्चों से अलग होकर सोच रहे हैं, इनके मन में उत्सुकता भी है, इसलिए ये स्वशासित होते हैं। इनको किसी के ऊपर जो निर्भरता है वो नहीं होती है। कुछ खास बिंदुओं पर ये लोग शिक्षक से बातचीत करते हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि ये लोग स्वशासित हैं, इनके पास स्वायत्तता होती है अपनी, और उस स्वायत्तता के आधार पर ही ये अपने वैचारिक मौलिकता को लगातार विकसित करते रहते हैं। तो शिक्षार्थियों इस तरह से ये सृजनशील बालक होते हैं। सृजनशील बच्चों के लिए अब विज्ञान शिक्षण हम किस तरह से कराएं, उसके लिए कुछ आयोजन हम कर सकते हैं, जिसमें से पहला है विज्ञान आधारित रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन। यानी कि जो रचनात्मक गतिविधियाँ विज्ञान के जो हमारे आशुरचित उपकरण हैं जिनको हम आसपास पाए जाने वाली दैनिक जीवन में पाई जाने वाली छोटी मोटी वस्तुओं से बनाया जा सकता है, उस तरीके के हम आयोजन करें। अगला है मौलिक प्रदर्शन को प्रोत्साहन। जैसा कि अभी पिछले हमने बिंदु पर विचार किया कि इनके पास मौलिकता है, इसलिए इनकी मौलिकता को एक शिक्षक हमेशा प्रोत्साहित करें, जिससे हम नए से नया कुछ खोज सकें इन बच्चों की सहायता से, और इन बच्चों की जो अधिगम की संतुष्टि है उसकी जो उसको अधिक से अधिक कर सकें। अगला जो हमारा आयोजन हो सकता है वो होता है समस्या समाधान, खोज विधि जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग। चूँकि ये कुछ नया खोजने की अपेक्षा हमेशा इनसे रहती है, ये नया खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रयास करें शिक्षक होने के नाते कि समस्या समाधान और खोज विधि जैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। अगला आयोजन हम कर सकते हैं बच्चों के प्रश्नों का स्वागत। शिक्षार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इस तरह के बच्चों का प्रश्नों का हमेशा स्वागत करें। हो सकता है कि हमारे पास उस समय पर तत्काल उन प्रश्नों के उत्तर ना हों, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में हम इन सृजनशील बच्चों के प्रश्नों को हतोत्साहित ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए हम कोशिश करें कि इनके बच्चों का स्वागत करें, इनको प्रश्नों को पूछने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें, जिससे कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शंकाओं का समाधान एक शिक्षक से पा सकें। अगला जो इनका आयोजन है वो विशेष कक्षाओं का आयोजन हो सकता है, जिसमें इनको अपनी मौलिकता के आधार पर स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का हम स्वतंत्रता दे सकते हैं। ये अपनी तरह से सोचें, विज्ञान के आविष्कारों के नए नए प्रयोग, नई नई परिस्थितियों में प्रयोग, इन इत्यादि को हम प्रोत्साहन दें कि आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कीजिए, तैयार कीजिए, सोचिए कि हम इनको विज्ञान के इस नियम को कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे सृजनशील बच्चों से संबंधित ही सारी गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। शिक्षार्थियों अगले जो हमारे श्रेणी के बच्चे हैं वो है मंद बुद्धि बच्चे। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बच्चों की बुद्धि लब्धि से कम हो और उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाती हो, मानसिक रूप से मंद बच्चे कहलाते हैं। क्रो एंड क्रो ने बताया, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बच्चे कहते हैं। मंद बुद्धि बच्चों के लक्षण। सबसे पहला लक्षण, जैसा कि अभी क्रो एंड क्रो की परिभाषा में हमने देखा,
कि इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 50 से 75 तक के बीच में होती है, यानी कि इनका जो बुद्धि लब्धि का स्तर है वो सामान्य बच्चों से कहीं अधिक कम होता है। दूसरा जो लक्षण है इनका, आत्मविश्वास की कमी। चूँकि जैसा कि हमने कहा, चूँकि इनके पास बुद्धि लब्धि की कमी है, इनके पास शब्दकोश भी नहीं है, इनके पास अपनी मौलिक विचार भी नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अगला जो इनका लक्षण है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। चूँकि इनके पास आत्मविश्वास की कमी है, ये अकेले कुछ कर नहीं पाते, इसलिए इनकी हमेशा जो कोशिश रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने की रहती है, चूँकि मित्रों के सानिध्य में इनको एक सुरक्षा का एहसास होता है। जो अगला लक्षण है वो है विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा। चूँकि इन बच्चों की बुद्धि लब्धि कम है, आत्मविश्वास भी कम है, इसलिए इनको विभिन्न असफलताओं का सामना करना पड़ता है, और इन असफलताओं के सामना करने के कारण इनमें एक निराशा उत्पन्न हो जाती है जो इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देती है। अगला लक्षण, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से असमायोजित होते हैं। समाज में ये अच्छे से मिल बैठ नहीं पाते। समाज का अर्थ मेरा यहाँ कक्षा से कक्षा के अन्य बच्चों के साथ इनके संबंध उतने ज़्यादा सामान्य नहीं रहते, ये उनके साथ समायोजित नहीं हो पाते। इनको संवेगात्मक भी दिक्कत होती है, संवेगात्मक परेशानियाँ होती हैं, ये समझ नहीं पाते हैं हमको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, इसलिए ये संवेगात्मक अस्थिरता इनमें भी रहती है। अगला लक्षण जो है, मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास। चूँकि ये बच्चे थोड़े से आत्मविश्वास के कम भी हैं, इनके पास शब्दकोश भी कम है, इनकी अपनी मौलिक विचारधारा भी नहीं है, ये अपनी बातों को कह भी नहीं पाते, इनको ये भी पता नहीं होता कि हम कहाँ से अपने प्रश्नों का समाधान करें, इसलिए ये बच्चे जो मान्यताएं बना लेते हैं उनके संबंध में इनका विश्वास एकदम अटल होता है। आप कितना भी प्रयास कीजिए, ये अपनी मान्यताओं से हटने के लिए तैयार नहीं होते। एक इनमें स्थिरता सी पाई जाती है अपनी मान्यताओं के संबंध में। तो इस तरह से ये मंदबुद्धि बच्चों के लक्षण हो गए। अगला लक्षण, निर्णय लेने की अक्षमता। जैसा कि पहले आपने कहा कि संवेगात्मक स्थिरता भी नहीं है इनके पास, इसलिए ये निर्णय नहीं ले पाते, इनको निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, और अक्सर सामान्य परिस्थितियों में ये निर्णय ले ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या काम कैसे करना है। अगला जो एक महत्वपूर्ण इनका जो लक्षण है वो है, परिणाम की परवाह किए बिना भावावेश व्यवहार। इसका मतलब है कि ये जो भी व्यवहार कक्षा में प्रदर्शित करते हैं उसको बिना सोचे समझे कि इसके परिणाम क्या होंगे, ये उसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि ये दूसरे बच्चों के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें, दूसरे शब्दों की जो अध्ययन है उसमें बाधा उत्पन्न करें, या खुद अपने लिए कोई ऐसे कार्य करें जिससे इनको नुकसान हो सके। लेकिन चूंकि ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनका जो इनकी मानसिक स्थिरता है वो थोड़ा सा मतलब बाधित है, इस कारण ये अपने परिणाम को नहीं देखते कि हमें इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये उस व्यवहार को प्रदर्शित करते रहते हैं बिना किसी परिणाम की परवाह किए। अब विज्ञान शिक्षण मंदबुद्धि बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण हम किस तरह से कराएं, चूँकि वो भी तो हमारे छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहला इसमें हम कर सकते हैं मूर्त वस्तुओं से विज्ञान का शिक्षण। शिक्षार्थियों, चूँकि वो बच्चे मंदबुद्धि हैं, उनका शब्दकोश इतना नहीं है, उनके पास अपनी एक सोच नहीं है, इसलिए हम प्रयास करें कि मूर्त वस्तुएँ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम दिखा सकें, और उनको दिखाने के बाद हम उनका विज्ञान शिक्षण करें। इसका मतलब यह है कि मॉडल हों या हमारे पास वास्तविक वस्तुएं हों, चार्ट हों या कुछ भी ऐसी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, विज्ञान के हमारे पास छोटे मोटे उपकरण उपलब्ध हों, हम उनको दिखाएं, और उनको दिखाने के बाद उनका शिक्षण करें, जिससे कि वो उसको अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसको आत्मसात करें। ये सबसे अच्छा एक आयोजन हो सकता है हमारे मंदबुद्धि बच्चों के विज्ञान शिक्षण के लिए। दूसरा, हम छोटे आकार की कक्षा में विज्ञान शिक्षण। चूँकि इन बच्चों का समायोजन सामान्य बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम प्रयास करें, अगर संभव हो तो प्रयास करें कि हम इन बच्चों को छोटे आकार, यानी कि वो आकार की जिसमें बच्चे कम हों, और अगर हो सके तो इसमें इसी श्रेणी के बच्चे हों, हम उस क्लास में ले जाकर, उस कक्षा में ले जाकर उनको विज्ञान शिक्षण दें, जिससे कि इनको किसी तरह के समायोजन में कोई दिक्कत ना आए वहाँ पर। अगला आयोजन, करके सीखने पर आधारित शिक्षण विधियाँ। चूँकि ये बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हैं और इनके लिए आत्मसातीकरण बहुत जरूरी है, इंद्रिय आधारित ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि हम इनको जो भी शिक्षण विधियाँ प्रयोग करें उसमें करके सीखने पर आधारित हो, यानी कि हमारे ये जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ये खुद करें और खुद उस ज्ञान को आत्मसात करें, यही इनको पढ़ाने का सबसे एक अच्छा शिक्षण विधि हो सकती है। अगला विज्ञान शिक्षण जो हम इनके लिए आयोजित कर सकते हैं, जो विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, वो है विज्ञान की वास्तविक शिक्षण वस्तुओं का प्रयोग। जैसा कि अभी बताया मैंने, करके आधारित बहुत अच्छा हो कि हम विज्ञान की शिक्षण की जो वस्तुएं हैं हमारी उनको वास्तविक रूप में दिखाएं। शिक्षार्थियों, बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर वो वस्तु हम उनको दिखा सकते हैं, वो संस्था हम उनको दिखा सकते हैं, वो प्रयोग हम उनको दिखा सकते हैं, वो प्रक्रिया हम उनको दिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि हम उनको उस वास्तविक स्थान पर ले जाएं और उनको उस चीज़ों को आत्मसात करने में उनकी सहायता करें। और अगर किसी परिस्थितियों में हम उनको उन स्थानों तक नहीं ले जा सकते हैं, तो अगर उनके हमारे पास मॉडल उपस्थित हैं, हमारे पास मॉडल उपलब्ध हैं उनके, या और भी इस तरह की जो वास्तविक वस्तुएं उपलब्ध हैं, हम उनका प्रयोग करें, जिससे कि ये बच्चे उनको छूकर, उसको आत्मसात कर अपने इंद्रियों के आधार पर विज्ञान शिक्षण कर सकें,
उसको आत्मसात करें जिससे कि वो स्थायी कर सकें उस ज्ञान को। विज्ञान की घटनाओं को, प्रक्रियाओं को वास्तविक स्थान पर ले जाकर समझाना, जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए आपके आसपास कोई एक ऐसी घटना हुई जो विज्ञान से संबंधित है, तो आप उनको वहाँ ले जा सकते हैं जिससे कि वो उसको अपनी इंद्रियों से देखें, अपनी इंद्रियों से महसूस करें। विशेष कक्षाओं में शिक्षकों का प्रावधान। हमारे मन बुद्धि बालक जो हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कारणों से इनकी बुद्धि जो है वो थोड़ा सा मंद रहती है और इनका सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। इस कारण हम प्रयास करें कि इनकी विशेष कक्षाओं का आयोजन करें जिसमें शिक्षक भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होंगे जो इस तरीके के हमारे मन बुद्धि बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने का प्रदान करेंगे जिसमें हमारा विज्ञान शिक्षण भी समाहित है। और अंतिम जो हम एक कर सकते हैं, शिक्षण का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। शिक्षार्थी हो चुकी ये बच्चे समायोजन में थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करते हैं, इनका विचारधारा थोड़ा अलग होती है, इसलिए एक प्रयास करें कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा व्यवहार जो है इस तरह के बच्चों के लिए हमेशा सहानुभूतिपूर्ण हो। इनकी किसी भी गलत व्यवहार के लिए, इनकी किसी भी त्रुटि के लिए हम इनके साथ कोई इनको डांटे ना, इनको इनके साथ सहानुभूति में व्यवहार करें, क्योंकि इनका व्यवहार जो है ये इनकी वजह से नहीं हो रहा है, इनकी मानसिक स्थिति की वजह से हो रहा है। इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे शिक्षक जो हैं उनके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और सहयोग आधारित व्यवहार करें उनके साथ। अगला जो श्रेणी है हमारी शिक्षार्थियों, वो है पिछड़े बच्चे। जो बच्चा कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत बच्चों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। बर्ट ने इसकी एक परिभाषा दी है। बर्ट के अनुसार एक पिछड़ा बच्चा वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का काम नहीं कर सकता हो और जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य हो। अब पिछड़े बच्चों के लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला लक्षण है, इनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से लेके 110 के बीच में होती है, यानी कि जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनसे के से थोड़ा सा कम होती है। दूसरा लक्षण जो है, सीखने की गति धीमी। जैसा कि अब आपने नाम ही देखा कि पिछड़े बच्चे हैं ये, इनकी सीखने की गति स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि सीखने की गति नहीं है, इनकी गति तो है, लेकिन उसकी जो सामान्य जो एक स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए सीखने की, वो कम है इनकी। तो सीखना तो ये कर रहे हैं लेकिन इनकी गति जो है वो क्या है, सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम है। अगला इनका लक्षण है, जीवन में निराशा का अनुभव। चूँकि ये सामान्य बच्चों से थोड़ा अधिक समय लेकर चीज़ों को सीख पाते हैं, कई बार उसको सीख पाते हैं, त्रुटियाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं इनके सीखने में, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये बच्चे अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। अगला लक्षण है, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। चूँकि इनके अंदर एक निराशा है और निराशा कहीं ना कहीं विरोध को जन्म देती है, और इस कारण ये बच्चे कक्षा में अपना समायोजन ठीक ढंग से नहीं कर पाते और इनकी प्रवृत्ति जो है वो सामाजिक विरोधी कार्यों की तरफ उन्मुक्त हो जाती है, उनकी तरफ बढ़ जाती है, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये समाज विरोधी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अगला लक्षण जो इनका है वो है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। यानी कि इनका जो व्यवहार है वो भी सामान्य नहीं है। वो व्यवहार सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो सोच है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से सोचते हैं, कक्षा में अक्सर व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। चूँकि इनकी अपनी गति थोड़ा कम होती है सीखने की, इसलिए जो सामान्य बच्चे हैं उनको इनको जो है बाधा डालने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा व्यवहार जो पूरे कक्षा अधिगम को बाधित करता है, इसलिए व्यवहार संबंधी समस्याएं भी जो इनकी कुछ बनी रहती हैं और वो इनकी अभिव्यक्ति में हमें स्पष्टता दिखाई भी देती हैं। अगला जो इनका लक्षण है वो है, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता। चूँकि इनका बुद्धि लब्धांक जो है वो कम है और ये सामान्य जो विद्यालय है हमारा उसके पाठ्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाते, उसको समझ नहीं पाते, इनकी जो सीखने की गति है, अधिगम की गति है, वो भी कम है। इस कारण अक्सर ये उसे लाभ नहीं पढ़ाते और इनको असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी सामान्य पाठ्यक्रम से अगर हम इनको पढ़ाते हैं तो संभवतः इनके शिक्षण अधिगम में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो, परेशानी उत्पन्न हो। इनका अगला लक्षण है, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। अब चूँकि ये बच्चे सामान्य से कम बुद्धि लब्धांक रखे हुए हैं और इनका जो गति है वो सीखने की है, सामान्यतः कक्षा में ये होता है कि जो शिक्षक हमारा जिस गति से चल रहा है वो भी अपेक्षा करता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स उसी गति से, सारे छात्र उसी गति से सीखें। लेकिन इन पिछड़े बालकों के साथ दिक्कत ये होती है क्योंकि इनका सीखने की जो अधिगम की गति है वो कम है सामान्य छात्रों के मुकाबले, सामान्य बच्चों के मुकाबले, इसलिए जो है ये सामान्य विधियाँ हमारे पास हैं पढ़ाने की, उसमें ये जो इनको विफलता मिलती है ये उससे सीख नहीं पाते, क्योंकि वो विधियाँ सामान्य रूप से सामान्य विद्यार्थियों के लिए, सामान्य शिक्षार्थियों के लिए बनी हुई हैं, इसलिए जो हमारे पिछड़े बालक हैं उनको सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसमें थोड़ा सीखने में परेशानी होती है। अब पिछड़े बालकों के लिए हम विज्ञान शिक्षण का आयोजन कैसे करें? सबसे पहला बिंदु जो है उसमें वो ये हो सकता है कि हम विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करें। ऐसे बालक जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं वो अलग अलग श्रेणियों के होते हैं, अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, वो मानसिक कारण भी हो सकते हैं, वो शारीरिक कारण भी हो सकते हैं।
इसलिए हम प्रयास करें कि इनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करें जहाँ पर शिक्षण विधियाँ, पाठ्य वस्तु, शिक्षक और जो शिक्षक वातावरण है, शिक्षण वातावरण है हमारा, वो इनके अनुरूप हो। इसी तरह से हम अगला आयोजन विशेष कक्षाओं की स्थापना करके कर सकते हैं कि इनके लिए हम सामान्य विद्यालयों में भी विशेष कक्षाओं की स्थापना की जा सकती है जिसमें कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक इन बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण के आयोजन करेंगे। अगला है इसमें विशिष्ट विद्यालयों का संगठन। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन वही उसी तरह से है कि हम इनके लिए विशिष्ट विद्यालयों का संगठन एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप की सहायता से हम विभिन्न जो हमारे ये पिछड़े अलग अलग श्रेणी के जो छात्र हैं उनको वहाँ भेजा जा सकता है। हम उनकी आपस में सहायता भी ले सकते हैं कि ठीक है आपके यहाँ इन बच्चों का शिक्षण है, आप हमारे यहाँ भी आकर कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हमारे यहाँ शिक्षक हैं तो वो वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक संगठन इस तरीके से उन लोगों के साथ बना सकते हैं। अगला जो आयोजन हम इनके लिए कर सकते हैं वो विज्ञान की अमूर्त वस्तुओं का शिक्षण में प्रयोग, यानी कि वो वस्तुएँ अमूर्त वस्तुओं का प्रयोग शिक्षण में करेंगे कि जिससे कि हम उनको बताएं, उनको थोड़ा सा उत्सुकता दें। मूर्त वस्तुएँ तो वो देख रहे हैं लेकिन चूंकि उनकी गति कम है इसलिए उनका उसमें उत्साह नहीं है सीखने में। हम कुछ इस तरह से विज्ञान शिक्षण को उनके सामने प्रस्तुत करें, विज्ञान की उन आविष्कारों को, उन घटनाओं को, उन प्रक्रियाओं को, कि जिससे कि इनका जो एक स्वाभाविक इनका स्वाभाविक जो रुचि है वो उस अमूर्त वस्तुओं की तरह जो है जा सके। इसलिए हम लोग इनको अमूर्त वस्तुओं की सहायता से भी शिक्षण दे सकते हैं। अगला जो इनके लिए आयोजन है वो है करके सीखने को प्रोत्साहन, यानी कि इनको हम करने के लिए दें, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करने की रहती है। अक्सर इनका अधिगम जो है चूँकि थोड़ा सा कम गति का है इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि हम इनको करने के लिए कुछ दे दें। करके सीखेंगे तो इनके लिए स्थायी भी होगा, साथ ही साथ जो इनकी एक प्रवृत्ति है जो दूसरों को बाधा उत्पन्न करने की वो भी समाप्त होगी। तो इस तरह से हम इस माध्यम से इनको विज्ञान शिक्षण को स्थायी भी कर पाएंगे, दे भी पाएंगे और साथ ही साथ इनकी उन जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो बाधा उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियाँ हैं, उनको भी हम थोड़ा सा नियंत्रित कर सकेंगे। सामान्य कक्षाओं में विशिष्ट प्रावधान, ये हमारा जो आज का जो हमारा आधुनिक जो हमारी विचारधारा है ये उससे संबंधित है कि हम इन बच्चों को अलग ना करके सामान्य कक्षाओं में ही उनके लिए विशिष्ट प्रावधान कर दें। लेकिन यहाँ शिक्षक के लोगों को ध्यान देना होगा कि इन पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि ये जो मेरा पिछड़े बालक हैं ये किस तरह से सामान्य कक्षा के साथ चल सकें। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सामान्य बच्चों के साथ और पिछड़े बच्चों के साथ दोनों के साथ शिक्षक को संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सामान्य शिक्षार्थियों की वजह से इन बच्चों के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े या पिछले बच्चों के शिक्षण की वजह से सामान्य बच्चों के लिए कोई किसी तरह का उनको नुकसान हो, उनके शिक्षण में नुकसान हो। इसलिए एक बहुत ही संतुलन बनाने की आवश्यकता हमारे शिक्षक को यहाँ पड़ेगी। अगला है प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के ज्ञान को देना, यानी कि हम प्रयोग कराएँ। अब यहाँ ध्यान हम ये दें कि प्रयोग कुछ इस तरह से कराए शिक्षक, अगर संसाधन उपलब्ध हैं, कि उसमें वो इस तरह के जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके। यहाँ सिर्फ शिक्षक ना कराए, उनको सुनिश्चित करे कि वो भी आएँ और वो भी प्रयोग में अपनी सहभागिता दिखाएं, जिसके माध्यम से उनको करके सीखने का भी जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, पहले अभी जो हमने बातचीत की चर्चा की, हम करके 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 इनको सिखाएं विज्ञान शिक्षण को, तो उस तरह से ये उसको कर सकेंगे। प्रयोगों के माध्यम से ये करके सीख सकेंगे और उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनको भी हम नियंत्रित कर सकेंगे। अगला जो है वो है समूह में वैज्ञानिक प्रयोगों को कराना। हम समूह बना सकते हैं लेकिन ध्यान ये रहे कि ये समूह कुछ इस तरह के हों कि एक समूह में सिर्फ पिछड़े बालक ना हों। हम एक इस तरीके का समूह बनाएं कि जिसमें कुछ पिछड़े बालक हों और कुछ सामान्य बालक हों, जिससे ये एक दूसरे का सहयोग करते हुए वैज्ञानिक प्रयोग करें और करके सीखें उसको। अंतिम बिंदु शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी कि फिर वही चीज़ है कि हम इनको साथ किसी भी तरीके का शिक्षक को चाहिए कोई ऐसा व्यवहार ना करे जो इनकी इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, क्योंकि बच्चे पहले से ही थोड़ा सा सामान्य बच्चों की तुलना में इनका अधिगम जो है वो थोड़ा सा शिथिल गति से चल रहा है, उनकी गति जो है थोड़ा कम है। तो ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा शब्द बोलें या हमारा कोई ऐसा व्यवहार हो शिक्षक का कि वो उस सीमा उस गति को अधिकम गति को और कम कर दे। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा शिक्षक जो है वो बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे उनके साथ। पांचवा जो है अधिगम असमर्थी बच्चे हैं। अधिगम असमर्थी बच्चे वे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी शारीरिक या मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं जिस कारण उनका अधिगम स्तर सामान्य बच्चों की तुलना में न्यून होता है। इन बच्चों के लक्षण, सबसे पहला लक्षण है सामान्य और सामान्य से थोड़ा कम सोचने एवं तर्क करने की योग्यता होती है। सामान्य बच्चों से कम सोच पाते हैं और योग्यता जो इनकी तर्क करने की तर्क शक्ति है वो भी सामान्य बच्चों से कम होती है। इनका अगला लक्षण है औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न प्रदर्शन, यानी कि जो औसत विद्यालय उपलब्धि का मतलब जो सामान्य छात्रों की उपलब्धियां हैं, जो किसी विद्यालय के सारे सामान्य छात्रों की उपलब्धि है, उन उपलब्धि से इनका प्रदर्शन निम्न श्रेणी का होता है।
अगला जो है इसमें वो है उपलब्धि और योग्यता के बीच सार्थक अंतर का प्रदर्शन, यानी उपलब्धता और योग्यता, उनकी योग्यता कुछ और है लेकिन उनकी उपलब्धि कम है, इसलिए इसके बीच में एक सार्थक अंतर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बच्चा कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो है तो कक्षा में लेकिन सीख नहीं पा रहा है। अगला इसका लक्षण निष्पादन संबंधी कठिनाइयों से युक्त होते हैं ये, यानी कि इनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, चूँकि सीख नहीं पाते, इनका नाम ही है अधिगम असमर्थी बच्चे, ये लोग सीख नहीं पा रहे हैं ठीक से, इसलिए इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम, इनको कठिनाई जो है आती है, ये ठीक ढंग से कुशलतापूर्वक किसी भी प्रयोग को कर नहीं पा रहे हैं। उपयुक्त आचरण ना करना, चूँकि ये सीख नहीं पा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इनको भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक हमको डांटे, हमारे जो और कक्षा के अन्य विद्यार्थी हैं वो इनका हंसी मजाक करें, इस वजह से इनका व्यवहार जो है वो उतना अच्छा नहीं होता। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, चूँकि इन्होंने सीखा नहीं है, अधिगम असमर्थी हैं, चूँकि सीखा नहीं है इसलिए निर्णयात्मक क्षमता भी इनके अंदर नहीं होती है, निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। स्वयं के प्रति लापरवाही, और ये अपने प्रति लापरवाह हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है कैसे करना है, ये अपने लिए उद्देश्यों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है हमारे लिए, विज्ञान का क्या महत्व है हमारे लिए, हम क्यों सीखें, कैसे सीखें, इसलिए ये अपने लिए थोड़ा सा लापरवाह होते हैं। और इनका जो आखिरी लक्षण है वो है लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, यानी कि ये लक्ष्य से आसानी से विचलित, ये सोच कर तो आएंगे कि आज इतना सीखना है हमको, आज ये करना है, लेकिन फिर पता चलता है कि थोड़ा सा दिक्कत हुई तो इन्होंने अपने लक्ष्य को बदल दिया, इसलिए ये लक्ष्य से बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। इनके लिए शिक्षण जो कैसे होगा, सबसे पहला विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, कि हम इनके लिए एक अलग विश्वविद्यालय विद्यालयों का निर्माण करें जहाँ इस तरह के बच्चे हों। विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना, इनके लिए स्पेशल विशिष्ट कक्षाएँ बनाएं कि जहाँ इसी तरह के स्टूडेंट बैठे। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन, एक ग्रुप बना लें इस तरह के हमारे जो विद्यालय हैं उनका, कि जहाँ अधिगम असमर्थी बच्चों को शिक्षण दिया जा सके। और अंत में विद्यालय की अमूर्त वस्तुओं का शिक्षण में प्रयोग करके सीखने को प्रोत्साहन, इनको भी हम उसी तरह से जो अभी हमने पिछड़े बालकों का शिक्षण देखा विज्ञान की, इनको भी अमूर्त वस्तुओं की सहायता से हम जो दिखाई नहीं दे रही हैं, हम इनका इंटरेस्ट, इनका जो रुचि है उसमें जागृत करें जिससे कि ये उस तरफ आगे बढ़ सकें, इस तरह हम इनका जो विज्ञान शिक्षण है वो करा सकते हैं। शिक्षण में सहायक यंत्रों का सहायता लेना, जितने भी हमारे पास अधिगम से संबंधित उपकरण हैं जिनको हम शिक्षण सहायक उपकरण कहते हैं, उन सब का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अधिगम असमर्थी बच्चे किसी दृश्य या श्रव्य समस्या से, शारीरिक समस्या से ग्रसित रहते हैं, उसके लिए सहायक यंत्रों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा विशेष देखभाल इनकी हो जानी चाहिए। समावेशी शिक्षण की व्यवस्था, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ ही रखकर हम इनका विज्ञान शिक्षण करें, इनके अंदर किसी तरह की निराशा उत्पन्न ना हो, कि हम इनको ये इस चीज़ का एहसास ना हो कि हम अधिगम असमर्थ हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम इनको समावेशी शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था इनके लिए हम कर सकें। तो शिक्षार्थियों, इस तरह हमने देखा कि हमारे पास भिन्न भिन्न श्रेणी के हमारे पास शिक्षार्थी उपलब्ध हैं और उनको उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार विज्ञान शिक्षण देने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये चर्चा हम सभी के लिए सार्थक सिद्ध होगी। अगले किसी नए बिंदु के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।